ऐसा लगता है मानो राहुल वैद्य कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते सुंबल तौकीर खान पर निशाना साधने में। जी हाँ, इस वक्त लग तो यही रहा है। चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि बिग बॉस के घर में जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से अगर एक को फेक होने के लिए बार बार टोका जा रहा है, एक जो है सबसे फेक, सबकी नजरों में ज्यादातर वो है शालीन भनोट। लेकिन राहुल वैद्य की नजरों में अगर घर के अंदर सबसे फेक कोई है तो वो है ऑफ कोर्स नन अदर देन सुंबुल तौकीर खान। सुंबुल के फैंस राहुल पर अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुके हैं। लेकिन राहुल को क्या, राहुल तो अपनी ओपिनियन जो है वो देते नजर आ रहे हैं। राहुल पूरी तरह से जो उनके दिमाग में, जो उनके जहन में है वो दिखा रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। राहुल ने इस वक्त एक पोस्ट शेयर किया है। जी हाँ, और इस पोस्ट को शेयर करते हुए राहुल ने क्या लिखा है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये तस्वीर उन्होंने शेयर की है, अब जरा देखिए यहाँ पर सुंबुल की तस्वीर उन्होंने शेयर की है। ये फेस में दिख रही है सुंबुल, गुस्से वाला फेस है, ठीक है। अब इसको क्यों शेयर किया है, यह है कल का मोमेंट जहाँ टीना, अंकित सब खड़े हैं, सौंदर्य वगैरह हैं, और यहाँ पर अर्चना है, एमसी स्टैन है, और सुंबुल लड़ रही थी। सुंबुल क्यों लड़ रही थी, क्योंकि टीना क्योंकि अर्चना ने जो कुछ भी कहा था उस चीज़ पर सुंबुल का अग्रेशन निकल रहा था और सुंबुल बुरी तरह से भड़क रही थी अर्चना पर। अब इसको शेयर करते हुए राहुल वैद्य लिखते हैं, इन बिटवीन ऑल दिस एक्टिंग इज फुल ऑन, और हंसने वाला इमोटिकॉन पोस्ट किया है। ये देखिए हंसते हुए इमोटिकॉन यहां पर आपको दिख रहा होगा, राहुल ने पोस्ट किया है। और राहुल लिखते हैं कि जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुंबुल का ड्रामा चल रहा है, जिसके बाद सुंबुल के जो फैंस हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अलग रिस्पॉन्स दिया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर उन्होंने राहुल की ऐसी तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया है। जूम करके आपको दिखा देती हूँ, राहुल की इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है, अच्छा तो अगर सुंबुल झूठी है तो क्या आपकी ये सब शक्लें बनाना ये सब सही है? द ऑब्सेशन इज रियल मैन, अभी तक 5 ट्वीट्स फॉर हर, यानी कि जब देखो सुंबुल सुंबुल करता रहता है, सुंबुल के लिए ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूँ कि शालीन टीना एंड सुंबुल का अलग ही डेली सोप चल रहा है, जस्ट सीइंग एपिसोड 15, इट्स हिलेरियस। सो कहीं ना कहीं राहुल ने पहली बार नहीं बल्कि सुंबुल तौकीर खान पर कई बार निशाना साधा है, कई बार उन्हें लेकर कई सारी ट्वीट्स किए हैं, जिसके वजह से फैंस अब भड़क रहे हैं और फैंस को ऐसा लग रहा है कि राहुल को ये नहीं करना चाहिए। वो खुद एक रेप्यूटेड पर्सन है तो उन्हें ऐसे पब्लिकली एक बच्ची का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अब आपको इस पर क्या है कहना, सुंबुल फैंस आप क्या कहना चाहेंगे राहुल वैद्य के लिए, बताइएगा।